ये जो नया अपडेट जो आया है दुबे का, तो खैर वो तो मैंने पढ़ा नहीं है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। लेकिन जैसे कि अभी आप लोगों के माध्यम से ये चीज मुझे पता चल रही है कि इन्होंने भाई ताड़न को जो है वो शिक्षा बता पढ़ाना, इस तरीके का उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है। तो बाकी चीज तो समझ में आ रही है सर, चलो ठीक है, गवार इंसान को पढ़ा रहे हैं वो भी ठीक है, शूद्रों को पढ़ा रहे हैं वो भी, नारी को भी पढ़ा रहे हैं वहां तक कि ठीक है। लेकिन सर उस श्लोक में ये भी तो है, पशु और ढोल, भाई ढोल तो एक निर्जीव है ना, निर्जीव वस्तु है, और पशु जो है उसको तो उसकी अपनी एक अलग ही जीवनी होती है, उसको तो दिमाग होता नहीं है, उसका एक अपना एक नैसर्गिक स्वभाव होता है, वो उसके बाहर तो वो जाता नहीं है। तो भाई उनको किस चीज की पढ़ाई वो करवाना चाहते थे, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन आया है क्या उसमें? इसमें देख लें आप, ये दोनों वर्जन का कॉपी यहाँ पे है, और रामचरितमानस 736 पेज पे ये चीजें आई हैं, और जो उसका नया संस्करण है सुंदरकांड 705 पे ये चीज लिखा गया है। और यहाँ पे बदल करके देखें, ये लिखते हैं कि ये जो ताड़ना है, मतलब ये ताड़ना का मतलब शिक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री सब ताड़ना, सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अब हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारी बकरिया कैसे शिक्षा लेगी, मतलब भैंसिया कौन सी शिक्षा देना है। और ढोल को क्या तो शिक्षा देना है? ढोल हाँ, ढोल को कौन सा शिक्षा देना है, और को क्या भैंस और बकरी शिक्षा? कौन सा देना है। और यही के जो बाप दादाओं ने जो वर्जन लाया था, पुराना वाला वर्जन, आप जाके रामचरितमानस के 736 पेज पे देख सकते हैं कि ये उसी को दंड के अधिकारी बता रहे हैं। यानी कि देखें यहाँ पे, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये शिक्षा के अधिकारी हैं। तो चलो ठीक है, कम से कम कुछ बातें समझ तो आ रही हैं कि इन्हें बदलना जरूरी है, और बदलेंगे शायद सुधार आएगा। लेकिन हालांकि इनसे सुधार का कोई उम्मीद तो नहीं कहता। हाँ, आइए और दो क्वेश्चन करके जाइए, चार पांच क्वेश्चन कर लीजिए। हमारे साथ सनातन धर्म से आए हैं तो इनको पूछ लेते हैं। इनको जी प्रणाम, फोबिया। बताएं। हाँ, इनको फोबिया जी बताएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। सर मेरा सर दो क्वेश्चन है, ठीक है। सर एक एक मेरा मिनट यार, क्वेश्चन है, एक मिनट, आप उसके पहले मेरा नाम क्वेश्चन नाम क्यों बदल देते हो बार बार? आपको पुराने नाम से बढ़िया रहता है, कंफ्यूज करते हो उन लोगों को। सर चलिए नाम वो इसलिए भी बदल दिया एक, क्योंकि अब दो तीन दिन बोला था मेरे कि ज्वाइन साथी नहीं करिएगा, इसलिए। मेरे साथी लोग रुके रहे हैं, मैं थोड़ा सवाल कर लूं इनसे। तो आप दो सवाल करें, मैं आपको चार का इजाजत दे देता हूं, लेकिन मैं इससे पहले मैं सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब दें उसका। यस आपका ताड़ना कहाँ से हुआ है? सर, तारण शब्द का मतलब कि जहां तक अरे मैंने नहीं नहीं मतलब नहीं कि अरे नहीं 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 सुने सर, सुने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ताड़न शब्द का क्या मतलब है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपके ताड़क कौन है, किसने आपको ताड़ा है। मतलब कि चैनल देखते देखते कुछ कुछ समझे भी है सर। शिक्षक ने क्या ताड़ा है, आपका ताड़ना शिक्षक किसने, आपको किसने ताड़ा है। ने, ये आपका सर ताड़क शिक्षक ने कौन था? ताड़ा है। यस सर। सर ताड़ना का अर्थ आप मानने वाला समझ रहे हैं क्या। नहीं, आप शिक्षक बताइए मत ना बोलो, ताड़क बोलो, ताड़क आप। सीधे शिक्षक। ठीक है ठीक है, जी इनको ही सर, बताने दीजिए। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए ताड़ना मतलब बताइए। जी सर, तारण का मतलब वैसे मतलब कि जो दिया रहता है, कि तान का मतलब दंड देना, लेकिन तारण का मतलब होता है शिक्षा देना। क्योंकि देखिए 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 सर, हम क्लियर बात बोल देते हैं कि रामचरितमानस में वहां पे शिक्षा के बाद दंड भी लिखा है। तो मतलब कि मेरा मतलब कि मन कहता है, और जो होना भी चाहिए, कि मतलब कि जो दंड है उसको हटा ही देनी चाहिए, जो गलत बातें हैं उसको हटा ही देनी चाहिए। नहीं, आप ताड़ना का मतलब शिक्षा समझते हैं या मारना पीटना समझते हैं, बताइए। तो ताड़ना का अगर आम भाषा में अगर कोई अगर समझे तो डायरेक्ट उसको मारना ही समझेगा। अच्छा, तो इसका मतलब कि तुलसी दुबे जी ने गलत लिखा है। मतलब कि उनका सर कुछ परिप्रेक्ष्य भी अलग हो सकता है। कौन सा परिप्रेक्ष्य, जरा समझाइए इसको। जी सर, जैसे ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो मतलब कि उनका इसमें है कि मतलब कि ये लोग निगरानी के अधिकारी है, ये लोग देख रेख अच्छा के अच्छा अधिकारी ताड़ना है। मतलब निगरानी, ताड़ना मतलब निगरानी के अधिकारी हैं।
मतलब कि सर बहुत से मतलब कि जो संत है वो बोलते हैं कि निगरानी, और बहुत से बोलते हैं शिक्षा देना। तो किसका माना जाए, किसका माना जाए बताइए। जी सर वही बात हम भी बोलना चाहते हैं कि मतलब कि जैसे अभी कुछ समय पहले ही निकला था कि मतलब कि रामचरितमानस में ये बात हटनी चाहिए चाहिए, तो मतलब कि हम भी उस बात के मतलब कि समर्थक में है, और उस मतलब कि जो अगर जो भी बात अगर मानवता विरोधी है तो वो बात हटनी चाहिए। तो यही बात आप अपने लोगों को क्यों नहीं बताते, किसे हटा दीजिए। जी सर बताते हैं, लेकिन सर वो लोग खाली बोलते हैं कि तुलसीदास जी के जन्म के समय राम मंदिर टूटा गया, उनके माँ बाप को कोई कोई दूसरे रिलीजन के लोग मार दिए, तो उनको उनसे दुश्मनी ना हो के उनको मतलब कि क्या कहते हैं जो SC ST है अरे और भाई साहब, नारी अरे की कोई रुकिए रुकिए दुश्मनी। रुकिए रुकिए, हलवा मत बनाइए, हलवा मत बनाइए। यस सर एक में गुड़ चीनी शक्कर जो चाहे सब मिला दो, हलवा बना दिए, हलवा बना दिए। एक एक बात करते हैं ना, अच्छे से प्रेम से बात जी करते हैं। कोई सर बहुत समय, मेरे जी पास बहुत समय है आपसे बात करने के लिए। सर आपने ताड़ना का मतलब कहा कि शिक्षा होता है, फिर ताड़ना का मतलब कहा कि एक परिपेक्ष में यह भी होता है, आपने कहा कि इसे जी हटा देना सर चाहिए, आपने खिचड़ी बना दिया पूरा, खिचड़ी में नमक नहीं डाला आपने। ठीक है, चलो मुझे, नहीं सर मैं सर वहां पर जो लिखा है हमने भी पढ़ा था, वहां पर शिक्षा के बाद दंड भी लिखा है, तो इसे बहुत से लोग समझेंगे कि दंड देने के अधिकारी है। अरे भैया शिक्षा के बाद नहीं, इसको पढ़िए, इस पुराना संस्करण में दंड देना लिखा हुआ है जो तुलसीदास जी का है, और जो नया संस्करण चेंज किया गया जब लोगों ने विरोध किया तब यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे शिक्षा लिखा गया है, इसको जी समझिए। सर ये जी मानसिकता सर किसकी है, छापने वाले की कि तुलसीदास की। छापने ही वाली की है। अच्छा सर नया संस्करण अच्छा किसने लिखा था? तुलसीदास, नारायण सरस्वती अरे ऐसे भाई साहब पूछे संस्करण, संस्करण मतलब नहीं समझते आप, संस्करण तो समझते हैं। जी सर, संस्करण मतलब कि उस चीज को मतलब कि रीडिफाइन करना। सर हाँ मेरा तो सर वैसे कुछ मतलब और ही यार, क्वेश्चन एक था। मिनट रुकिए। हाँ मैं सवाल आपको लूंगा, मैंने आपको वादा किया आपके सवाल लिए जाएंगे। आप खाली इतना जी बताइए सर कि क्या आप धन्यवाद। तुलसीदास दुबे का विरोध करते हैं। जी सर मतलब कि अगर सर देखिए सर हम ना उनके सर ना विरोध में है ना समर्थन में है। तो विरोध में क्यों नहीं है, समर्थन में क्यों नहीं है, फिर क्या है आप। देखिए सर वहां पे सर क्लियर बातें नहीं लिखी लिखी गई है वहां पे। अब सर आपकी बात हम समझ गए कि जो नया संस्करण है उसमें शिक्षा दिया गया है और पुराना संस्करण में दंड दिया गया है। संस्करण मतलब समझे कि नहीं समझे आप। जी सर समझ गए। देखिए सर हमारे सर धर्म ग्रंथों में अच्छा ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए जानबूझ के उसमें गलत गलत चीजें डाली थी, और बाकी आप समझ गए होंगे। जैसे हाँ ठीक है। सर अच्छा एक बात पहले बताइए संस्करण सुनिए ना, संस्करण मतलब आप समझे कि नहीं। मैं हम उसी बात पे घुमा के कहा भाग कहे रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ सर नहीं सर, आप दवाई लेते हैं, मेडिसिन पे दुकान पे जाते हैं, दवा की दुकान पे। तो जी सर लेते हैं जैसे कि आपने Dolo 650 टेबलेट लिया, ठीक है, तो आप एक बार लेके जाते हैं तो वहां पे आप देखते होंगे कि उसकी MRP जो है कि 30 रुपये है, सर और दूसरी बार आप जब 10 दिन के बाद जाते हैं तो वहां पे देख लेते हैं उसकी उसका दाम जो है कि 34 रुपया कुछ पैसा हो जाता है। ठीक है, तो मैं संस्करण को आपको मेडिसिन से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप जी लोग कहते हैं यार एक ऐसे है, तो जो स्टोर वाला है वो कहेगा कि भैया अब नया बैच आ गया है, नया बैच का माल आया हुआ है इसलिए इसका दाम बढ़ के आया है। ठीक है, तो ये चीजें जी आप अक्सर देखते होंगे, हर लोगों के साथ ही होता है उसी प्रकार से, लेकिन उसके अंदर पैरासीटामोल 685 है, वो कंपनी माइक्रोलैब के ही दवा है, और उसके अंदर जो पैरासीटामोल है उतना ही है, सारी चीजें बदली नहीं गई, कुछ भी नहीं बदला गया, लेकिन जब नया संस्करण आया है तो उसे उन्होंने अपने तरीके से टैक्स बढ़ा होगा या किसी भी तरीके से मान लीजिए उन्होंने बढ़ा दिया। तो ऐसे ही जब आपके रामचरितमानस का जो पहला संस्करण, पुराना वाला संस्करण है यानी पुराने बैच की जो ये दवा है उसमें इन्होंने कहा था कि ये पैरासीटामोल खाने से आप मर जाओगे, और दोबारा जब वैज्ञानिक वैज्ञानिक आ गए
जब जो है कि चंद्रशेखर यादव जी जो शिक्षा मंत्री जब विरोध करने लगे और इधर निष्पक्ष आवाज विरोध करने लगे, साइंस जर्नी विरोध करने लगे, लोग विरोध में आ गए, खड़े हो गए, और सबसे बड़े जो दिलीप मंडल साहब ने विरोध करना शुरू किया, तो ये लोगों ने, हालांकि इससे पहले से विरोध हो रहा है क्योंकि संस्करण उसके बाद में आया, पहले ही आया हुआ है, तो विरोध जब चालू हुआ था तब इन्होंने नए बैच का माल लाया, उस बैच में डाल दिया कि भैया नहीं, ये चीज यहाँ नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर है इसका, जो पैरासिटामोल यूज करता है जो डॉक्टर है, वो तो कह रहा है ना कि नहीं यार, इसका काम तो यही है, इसका काम है, समझ रहे, मैं समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ आपको, फिर से दूसरे तरीके से समझाऊं? जी सर, ये नया संस्करण है, सारी चीजें वही है, खाली अपनी सुविधा के अनुसार टैक्स बढ़ा हुआ है उसके ऊपर, इसलिए उसका दाम बढ़ा दिया गया, यानी शिक्षा रख दिया गया, क्योंकि उनको पता चल गया है कि लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। तो मेरी नजर में क्या होना चाहिए कि उस लेखक जो भी नया संस्करण ला रहे हैं, वो वहां पे माफीनामा लिखें एक पेज पे, बहुत सारी हमारे पूर्वजों ने गलतियां करी हैं, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, हम इसको नए संस्करण में लेके आ रहे हैं। शायद मेरे साथी से सहमत हो, क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? माफी मांग करके लाए भाई, गलती हुई है, अब सुधारते हैं। जी सर, जी सर, और मजे की बात यह है कि इसको भी हटवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा, नहीं तो बड़ी ढिठाई से इसका मजा ले रहे थे। हाँ, अब अपना सवाल पूछिए। देखिए सर, हाँ, मेरा सवाल था कि मतलब कि जो अच्छे व्यक्ति है, जो जातिवाद के कट्टर विरोधी है, उनको आप बहुजन समाज कभी सम्मान क्यों नहीं करते, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, वीर सावरकर, डॉक्टर अंबेडकर के वाइफ के, हाँ, डॉक्टर अंबेडकर के वाइफ, सॉरी डॉक्टर अंबेडकर के फादर इन लॉ, ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर के फादर इन लॉ, अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ? मतलब कि वो वही बता रहा है कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर के मतलब जो फादर इन लॉ थे, तो वो भी तो एक ब्राह्मण ही थे। अच्छा, तो इससे क्या होता है? इससे क्या साबित होता है? हाँ, तो सर मतलब कि वो जातिवाद को मतलब कि तोड़ दिए उनके जो अति थे। इससे क्या साबित होता है ये बताइए। मतलब कि जो डॉक्टर अंबेडकर की जो दूसरी शायद पत्नी से थी, तो वो सर ब्राह्मण थी। जी सर, मैं वही बात बोल रहा था कि जो अच्छे व्यक्ति है, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, वीर सावरकर, और जो स्वामी दीपंकर सनातनी है, जो अभी मतलब कि क्या कहते हैं कि जाति मतलब कि पहले राष्ट्र बाद में कास्ट, तो उन लोग का आप कभी समर्थन क्यों नहीं करते सर, यह बात हम जानना चाहते हैं। और सर, आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, हो गया क्या आप? जी सर, सुनो तो, का जब सवाल हो जाए तो म्यूट करिए, सौर्य सर जवाब दे रहे हैं, ठीक है, उसको तो म्यूट कर लीजिए। इन्फो भी है जी, आपने इतने लोगों के नाम लिए, ठीक है जी सर, आप जरा कोई एक सुनिए ना अभी। अरे भाई साहब, पंडित जी, ये कथा सत्यनारायण का कथा नहीं कि आप ही बोलेंगे, थोड़ा सुनिए आप भी। आप जब भी आपका सवाल चल रहा था, मैं पूरा शांति से सुना, मैडम बोल रहे थे, मैंने आपके सवाल के लिए मैडम को रिक्वेस्ट किया कि आप शांत हो जाइए। अभी कम से कम जब आपका सवाल हो गया, आपने एक साथ इतने सारे लोगों के नाम ले लिए, है ना, तो एक कथनी और करनी करके भी एक चीज होती है ना। आपने जिनके भी नाम लिए, तो उनकी एक कथनी और एक करनी का कोई उदाहरण दे दीजिए, जो उन्होंने कहा वो किया। बिल्कुल सही बोले हैं, जैसे हाँ। हम फर्स्ट ही दे रहे हैं सर, जैसे मतलब कि क्या क्या है, हाँ। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जातिवाद को दूर करने के लिए आर्य समाज का स्थापना की है, और भी बहुत सारा जैसे उन्होंने पाखंड को भी दूर किया। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्नी का एक को क्लियर कर देते। अभी जैसे आपने कहा कि राजा राम इन्होंने जो है दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज का घोष वाक्य क्या था? आर्य समाज का घोष वाक्य, जी सर, जल्दी आर्य समाज बता दीजिए, क्योंकि आप जब सुनिए, मैं उसके बाद आप बोलिए क्या है। आप जब, मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप इतने लोगों के नाम ले रहे हो, दावे कर रहे हो, ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप इन सबको पढ़कर आए हो, अच्छे तरीके से समझ के आए हो, और उसी के आधार पे ये सारी बातें कर रहे हो, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ,
ठीक है, अब आप मैं जो मान रहा हूँ उसे सही साबित कीजिए, या फिर अगर इधर उधर की बातें करके फिर आप हवे में बातें करने बताइए, ठीक है। आर्य समाज के तो घोष वाक्य क्या था, घोष वाक्य क्या था जी सर? उनका मतलब कि वाक्य था कि मतलब कि जैसे मतलब कि ये मतलब कि क्या 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 कहते हैं, पूरी धरती आर्यों की है, वो वाक्य नहीं था, वेदों की ओर पूरा वाक्य था यार, आप मजाक बना रहे हो, पूरा वाक्य जो है कि पूरी धरती आर्यों की थी, पूरी धरती आर्यों की थी, ठीक है। वो अभी देखिए यही से फिर आपका पता चल रहा है आपका नॉलेज कितना है करके। आप भावनाओं में बह के क्यों आ जाते हो यार, आप बता दीजिए सर, आप बता दीजिए। आपने हमने तो आपको ऑप्शन नहीं, इनपो भी है जी, हमने आपको तो ऑप्शन दिए नहीं कि आप इनका नाम लो उनका नाम लो करके, आप खुद ही ऑप्शन ले, आप ही खुद ही नाम लेकर आ रहे हो, और आपको ये नहीं पता जो आपके आइडियल है उन्होंने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीद वाक्य क्या था ये नहीं पता आपको, पूरी धरती आर्यों की है, वेदों की ओर लौटो। सुनो उनका कहना था वेदों की ओर लौटो, उनका ब्रीद वाक्य था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और वेदों में क्या क्या लिखा था, क्या क्या नहीं लिखा है, बहुत सारी चीजें जो है इसके पहले हो चुकी है, अभी मुझे उसके रिपीट जाना नहीं है, अंधा कुटिल सांप और ये इधर उधर कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो वेदों में क्या ज्ञान था, वेदों का विज्ञान कई बार डिस्कस हो चुका है, ठीक है। उस तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा सवाल मुझे इसी पर आपसे मैं करना चाहूंगा कि ठीक उससे दो मतलब ये कुछ 75 के आसपास हुआ था शायद, है ना, आर्य समाज की स्थापना, तो 73 में महात्मा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे, ठीक है, जिसमें हर वो मानवतावादी सिद्धांतों का सिद्धांतों पे काम किया जा रहा था। तो ऐसा कौन सी मुसीबत आन पड़ गई थी भाई इन दयानंद जी को कि भाई उनको ये आर्य समाज बनाना पड़ा, जब ऑलरेडी इस देश में एक ह्यूमैनिटी बेस पे काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन और वो अच्छे तरीके से जब काम चल रहा था। आपने कभी सत्यशोधक समाज के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो एक बार सुनो। हाँ, ज्योतिबा फुले की तो जीवनी बहुत बढ़िया, उनके जीवन के एक कार्य को पढ़ लेना, उन्होंने जो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी आप पहले उसको पढ़िए, और उसके साथ फिर तुम्हारे इस दयानंदी के आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी उसकी आइडियोलॉजी पढ़िए, दोनों आइडियोलॉजी पढ़ लिए, और फिर उसके बाद आप इस दयानंद सरस्वती जो है वो मतलब आप उसको अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, वो मानने लायक है या नहीं है वो फैसला करके इसके ऊपर फिर से मुझसे बात करना, ठीक है। अगर कोई दूसरा ये यही पे खत्म हो जा रहा है, क्योंकि आपको ये नहीं पता जिस दयानंद सरस्वती का आप नाम ले रहे हो उनके उस जो संस्था उन्होंने स्थापित की उसका ब्रीद वाक्य नहीं पता आपको, तो बाकी का लिटरेचर तो बहुत दूर की बात हो गई, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज कर दो, आप पढ़ो थोड़ा सा इसको, फिर उसके बाद आना। और कुछ दूसरा सवाल पूछना आगे? दूसरा वाला सवाल था कि सर मैं अपने दादाजी से मैं EWS आरक्षण का विरोध करने के लिए बोला, तो मैंने बोला था कि 80% ब्राह्मण समाज तो धनी है तो उन्हें EWS आरक्षण की क्या हो सकता, तो उनका उत्तर था कि आपके बहुजन भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो SC ST और OBC को आरक्षण नहीं दिया जाता है तो उनका विरोध क्यों नहीं करते, ये दूसरा क्वेश्चन है मेरा सर। ये कह रहे हैं कि इन्होंने, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आप दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं, सवाल इनका है कि इन्होंने अपने दादाजी से सवाल पूछा EWS के बारे में कि आप लोग जब इतने मजबूत हैं तो आप जो है कि ये आरक्षण क्यों ले रहे हैं, तो इनके दादाजी ने कहा कि आप लोग यानी कि हम लोगों को कह रहे हैं कि बहुजन लोगों को जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं वो आरक्षण क्यों नहीं दे रही हैं, तो ये मतलब ये सवाल है सर, सॉरी सर, आप इनको जवाब दीजिए अपने तरीके से, क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी मतलब क्या, मैं जो सुना था आपने जो बताया थोड़ा सा एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, इनका कहना, इनके दादाजी का कहना, इनके दादाजी का कहना है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आरक्षण क्यों नहीं देती इन लोगों को, इसीलिए मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में आरक्षण नहीं होता है, नहीं देती है, ऐसा इनका कहना है।
क्यों नहीं देती? जी सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओबीसी और एससी एसटी को नहीं देती आरक्षण। तो आपको किसने बताया और कहां से? नहीं नहीं, सबसे पहले आरक्षण के बारे में आप क्या जानते हो? आरक्षण पॉलिसी है क्या ये? नहीं, इनकी जानकारी का स्रोत पूछिए, इनकी जानकारी का स्रोत। हाँ, आपको ये सारे, हाँ, स्रोत और आपको आरक्षण के बारे में कितना पता है? मतलब 30 सेकंड में बता दीजिए। जी सर, आरक्षण का मतलब है कि मतलब कि जो मतलब कि जो लोग मतलब कि पहले के समय में शिक्षा से वंचित रहे, बाकी तौर तरीकों से वंचित रहे, तो उनको कुछ आरक्षण देकर उनकी उन्नति करवाना, उनको प्रोग्रेस करवाना, उनको आगे की ओर बढ़ने देना। अच्छा, एक सवाल, ठीक है, धारा में लाना, ठीक है। हाँ, मुख्य धारा मिलाना, ठीक। मैं कह रहा हूँ कि आप ये बताएं कि क्या आप कभी सत्यनारायण का कथा कहे हुए हैं? नहीं सर। अब तो आपके दादाजी जी सर, आपके मतलब मेरे दादाजी सर कहे हैं। हाँ, वो सत्यनारायण का कथा कहते हैं, तो ये आरक्षण नहीं है? हमारे दादाजी क्यों नहीं कहते? जी सर, ये बात बिल्कुल सही कहा। इसमें भी बदलाव की बहुत जरूरत है, तभी हमारा धर्म आगे की ओर जाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर। तो जैसा जैसा पढ़ते जाओगे मेरे भाई, तुमको बदलाव ही बदलाव दिखाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं दिखेंगी इसमें कि जो ये सही है और इसको रहने देना चाहिए। और भाई, बदलाव के लिए, और दयानंद सरस्वती जी के बारे में, दयानंद सरस्वती जी के बारे में जो आपने कहा है, ये आप उनको पढ़े? अच्छा, उनका क्या क्या पढ़े हैं दयानंद सरस्वती जी का? कुछ एक पुस्तक का नाम बताइए जो पढ़े हो आप। जी सर, मतलब उनका सर मतलब कि वो सर वो तो हम बोलती कि वो कास्टिज्म के कट्टर विरोधी थे। उनका कौन सी किताब आपने पढ़ा है? एक मिनट, उनके किसी किताब का नाम बताइए जो उन्होंने लिखा हो। सत्यार्थ प्रकाश अभी हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, और सर उन्होंने सर मनुस्मृति को सर रीडिफाइन किया है, मतलब कि उनमें जो खराब बातें थी उनको हटा दिया है। आपसे पूछा एक जाता है बताते हैं, वो भी गलत बताते हैं। मैं कह रहा हूँ कि उनकी किताब का नाम आपने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश उसने लिखा है, उनको पढ़ा आपने? सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है आपने? जी सर, अभी सर पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। कितना पेज पढ़ा आपने? कितना पेज पढ़ा? अभी सर मतलब कि 13वां 14वां समोल्लास डेट पढ़े, उसके बाद पहले समोल्लास की जानकारी थोड़ा दो चार लाइन में दीजिए ना, हमारे लोग को इन पढ़े लिखे नहीं है उसमें थोड़ा। सर नहीं सर, अभी सर उतना अच्छा से नहीं पढ़े, हम पढ़ेंगे। कौन सा समोल्लास आप उनका अच्छा से पढ़े हैं जरा बताइए सर? सिर्फ 14वां समोल्लास।